नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों इस वीडियो में आप देख सकते हैं मेरे हाथ में है Realme 6 Pro मोबाइल, और इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि आप अपने मोबाइल में यहाँ पे अलार्म की सेटिंग कैसे कर सकते हैं, यानी कि आप अलार्म कैसे लगा सकते हैं और अलार्म में अपनी पसंद का गाना कैसे सेट कर सकते हैं। तो अलार्म सेट करने के लिए यहाँ पर आपको, आप जानते ही हैं, ये क्लॉक का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, आप इस पर क्लिक करेंगे, अलाउ कर देंगे, तो यहाँ पर आपको सबसे जो पहला सेक्शन है ये अलार्म का है। अब यहाँ पे जाके आपको ये प्लस के निशान पे क्लिक करना है और यहाँ पे अपना टाइम सेलेक्ट कर लेंगे। 13:14 तो आप जानते हैं ये दोपहर का होता है, और इसके बाद 1-2 आपका सुबह का होता है। तो यहाँ पे आप देख लेंगे कि कितने बजे का आपको अलार्म चाहिए, और यहाँ पे मैं मिनट सेलेक्ट कर लूँगी, तो मैंने 7:30 बजे का कर लिया है। और इसके बाद यहाँ पे रिंग वंस पे जब आप क्लिक करते हैं यहाँ पे इस टाइप से, तो यहाँ पे आपको अलार्म का नेम देखने को मिलता है। आप इस पर क्लिक करेंगे और अलार्म का नाम डाल देंगे, जैसे मैं डाल दूंगी मॉर्निंग वॉक। और यहाँ पे इसके बाद रिंगटोन की बारी आ जाती है, रिंगटोन पे जब आप क्लिक करते हैं इस टाइप से अलाउ कर देंगे, तो यहाँ पे आप इसको इस टाइप से आप लगा सकते हैं रिंगटोन इसमें। तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट फ्रॉम फाइल पे क्लिक करूँगी, अपनी पसंद का एक गाना लगा लूँगी यहाँ पे इस टाइप से, और इसके बाद बैक कर दूँगी यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं रिंगटोन ये मेरा सेलेक्ट हो चुका है। इसके बाद स्नूज़ आपको चाहिए या नहीं चाहिए, स्नूज़ वो होता है जैसे कि आपका बार बार रिंगटोन बजता रहता है जब तक आप अपने हाथ से बंद नहीं कर देते हैं, तो आप इसे ऑन रहने देंगे। अगर आप एक बार में नहीं उठते हैं तो दूसरी बार में तो उठ ही जाएंगे। और इसके बाद कस्टम पे क्लिक करेंगे, कस्टम पे जाने के बाद रिपीट की बारी आती है, रिपीट पे क्लिक करके आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे सारा, और नहीं सेलेक्ट करना है तो यहाँ पे अपना डे सेलेक्ट कर लेंगे, जिस दिन आपको अलार्म चाहिए, जिस दिन नहीं चाहिए उसको अनचेक कर देंगे। तो मैं हर दिन चाहती हूँ तो मैं सेलेक्ट कर लूँगी, इसके बाद बैक कर दूँगी। और इसके बाद यहाँ पर आपका सब कुछ सेट हो चुका है, और इसके बाद सेव पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे इतनी सेटिंग आपकी हो चुकी है अलार्म की, और यहाँ से आप बंद भी कर सकते हैं और दोबारा चालू कर सकते हैं। बाकी की और सेटिंग करनी है तो यहाँ पे आप 2 डॉट पे क्लिक करके सेटिंग पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे बाकी की सेटिंग भी देखने को मिल जाएगी, रिंग ड्यूरेशन, इंटरवल, टाइम, और यहाँ पे बाकी चीज़ें कर लेंगे आप। तो इस टाइप से आप यहाँ पे अलार्म की सेटिंग कर सकते हैं। तो आई होप गाइस ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। इसी टाइप के और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल पे विजिट करते रहिएगा। तो चलिए मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।